स्वागत है गाइज़ आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ काज सिंह और अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में। तो गाइज़ हम लोग आज वर्ल्ड लीग खेलने गए और एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि कोई स्ट्रॉन्ग बंदा मिले और मेरे को मिला ये एस कैचम 6। इस बंदे का नाम है, ये एक VIP है और टीम आप देख सकते हो गार्चॉम R3 और एक हेक्सरस, एक पालकिया R1 और स्नोरलैक्स है, 40,000 एवोकेट 1 है और फायर एक्ट्रॉस एवोकेट 2। तो इसके अगेंस्ट बैटल ईजी रहेगा, बस थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, गार्चॉम एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अदर देन उसके ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सबसे पहले हम लोग नॉकऑफ लगाएंगे और क्योंकि स्नोरलैक्स के पास फिशर है फिर भी वो यूज़ कर नहीं पाएगा क्योंकि हमारा लेवल थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। ये बंदा चला गया, कोई नहीं। फिर से एक बार मैचअप हुआ तो इस बार मैं इसे जानबूझ के हरिया वगैरह बोलूँगा ताकि ये मतलब क्या बोला जाए गुस्सा हो जाए और बैटल करे एक्चुअली। पर मैं चाहता था कि बैटल करे यार, मेरे को वीडियो चाहिए दे दो। तो हम लोग उतरे और मैंने यहाँ पर थोड़ा छेड़खानी की है ताकि वो बैटल करे, पर ये बंदा नहीं कर रहा है। मैं चाहता था यार बैटल करना, मतलब मैं देखना चाहता था कि बिना डियाल्गा के क्या मैं उस गार्चॉम को रोक सकता हूँ या नहीं, ठीक है। डियाल्गा को हमने एक्चुअली रिमूव किया नहीं है, बस स्नोरलैक्स में डार्क राय यूजर्स के लिए डाल रहा हूँ। बहुत सारे हैं भाई, लिटरली बहुत सारे डार्क राय यूजर्स गेम में, तो उनको रोकने का एक ही तरीका मतलब तरीका है, वो है स्नोरलैक्स। 5-स्टार ही है, बस मैं उसको उतना ही में रखूँगा, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है नहीं मतलब कॉइन्स की। तो अभी उसके बाद हमारे अगेंस्ट ये बंदा आया तो हो भी ये भी बैटल कर ले। फिर टीम देखो तो आप स्वॉम्पर्ड है, एक ऑफसूट मोबाइल दिख रहा है मेरे को, लुकारियो भी दिख रहा है और सीजॉट डार्क राय और आर्केस। मेरे को यहाँ पर सारे पोकेमॉन अच्छे लगे, बस ये देख के अजीब लगा कि मतलब सीजॉट जो है वो टीम में मतलब सिर्फ एवोकेन 1 है, अभी तक एवोकेन 2-3 पहुँचा ही देना चाहिए था। पर मेरे हिसाब से ना सीजॉट की जगह अगर आप कुछ और यूज़ करते फिनी वगैरह तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि नहीं सीजॉर भी अच्छा ही रहेगा, उसके पास भी डिफॉग होता है तो हाँ वो स्पाइक्स वगैरह क्लियर करने की काबिलियत रखता है। पोकेमॉन भी अच्छा होता है, टूम स्लैश भी होता है, एक अच्छा आटो मूव है। उसके बाद मेरे अगेंस्ट में आती है या आता है ये बंदा, ये बहुत ही बड़ा फिशर यूज़र है गाइस, लिटरली इसके जितने पॉइंट्स होते हैं ये सारे के सारे फिशर की वजह से होते हैं। आप इसके टीम के देखो, स्नोरलैक्स 3 है, तीनों के तीनों फिशर यूज़ करते हैं, आर्केस है जिसका अननर्व है और एक पिजियोट है, जो पीजीओट है वो ग्रास वाला है तो ये नया है, तो कुछ नया देखने को मिल रहा है। और वहाँ पर एक है मोबाइल 1-हिट डेल, उसका नाम है, बहुत लंबे समय से इससे मैं मतलब बैटल करते हैं तो जानता हूँ अच्छे से कितना पुराना प्लेयर है ये। तो 1-हिट डेल सबसे पहले, तो मैं जानता हूँ कुछ भी हो सकता है हमारे गेंगार को, इसको बचाते हुए मैं जल्दी से लेके आता हूँ ग्राउडॉन। अब ग्राउडॉन का जी मूव अगर मैं हिट कर देता है मतलब हिट हो जाता है मोबाइल पर तो हाँ अच्छा रहेगा, पर मैं इसको सेव करूंगा, मैं शुरुआत में करूंगा बल्क अप। मेरे को पता है ये बंदा कैसे बैटल करता है, ये बार बार पोकेमॉन बदलता है, तो जब तक मैं स्लेथरॉक्स बिछा नहीं देता ना तब तक मैं जी मूव वेस्ट नहीं करूंगा। अब मैं सबसे पहले करता हूं बल्क अप और सामने आता है उसका स्नोरलैक्स एक्स, ये खतरनाक होता है गाइस। इसके पास रेस्ट, स्लीप टॉक और फिशर, इसके मतलब इसके वजह से ये 15 बार फिशर ट्राई कर सकता है अगर लकी रहा तो, ठीक है। ये 15 बार और फायर स्नोरलैक्स भी 15 बार और ग्रीन वाला स्नोरलैक्स जो है वाइट स्नोरलैक्स, मतलब टोटल 35 टाइम्स ये फिशर यूज़ कर सकता है अगर लकी रहा तो, ठीक है, अगर सारे के सारे फिशर यूज स्लिप टॉक पे आए तो। तो सबसे पहले हम लोग टरानाटोर लेके आते हैं, ये फिशर से इम्यून है, 1 हिट मतलब इसे किल किया नहीं जा सकता, तो इसीलिए स्लेथरॉक सबसे पहले बिछाता हूँ तो ये अच्छा रहता है। मतलब बेसिकली वो अपने पोकेंस बदल नहीं सकता और उसको स्नोरलैक्स को खड़ा रखना ही पड़ेगा। अब मैं लगाता हूँ एक जी मूव और ये पड़ा उस पर जी मूव, ठीक है, एक और जी मूव मारता हूँ ताकि इसको ख़त्म कर दिया जाए। आपको लग रहा होगा ख़त्म नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अभी अटैक 2 और बूस्ट हुआ था हमारा और ये गया स्नोरलैक्स। जैसे ही स्नोरलैक्स ख़त्म हो जाता है तो अब मेरे पास थोड़े चांसेस बचते हैं क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बचे नहीं, बस मैं होप कर रहा था कि मोबाइल ना आए और वही हुआ और वो लेके आया अपना पीजीओट। अब मैं इस पर लगा देता हूँ एक रैपिड स्ट्रगलर, काफ़ी होगा क्योंकि स्लेथरॉक्स ने ऑलरेडी उसे काफ़ी डैमेज दिया हुआ है, एक रैपिड स्ट्रगलर इज़ मोर देन इनफ टू किल पीजीओट, ठीक है। एक तो पावर 100 है, दूसरा अटैक हमारा बूस्ट हुआ पड़ा है 5 पे है, तो हाँ एक हिट काफ़ी रहेगा, सिर्फ 10 HP बची थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अर्थक्वेक लगा के जाता हूँ, मरेंगे तो ठीक से डैमेज दे के जाके मरते हैं। अब मैं यहाँ पर जल्दी से लिखा था ग्राउडॉन, ठीक है, अब इसे मोबाइल बदलना पड़ेगा नहीं तो मैं जी मूव से कर दूंगा ख़त्म। इसको ये पता है तो ये शायद पोकेमॉन बदल दे, नहीं भी बदलता है तो अच्छी बात है, ठीक है, उसने बदल दिया, मेरे को लगा ही था वो बदलेगा और ये आया स्नोरलैक्स। अब ये मैं जानता था कि कुछ ऐसे ही होगा। अब ये हमारा ग्राउडॉन और ये हमारे अगेंस्ट खड़ा नहीं कर मतलब रख सकता, ठीक है, हमारे अगेंस्ट ये अभी इस पोकेमॉन को खड़ा नहीं रख सकता क्योंकि मैं यूज़ करने वाला हूँ जी मूव। अगर ये हिट होता है किसी भी पोकेमॉन को, मोबाइल पर भी हिट हो जाए तो अच्छी बात है क्योंकि होप उसके पास रेस्ट होगा या फिर कुछ ऐसे मूव्स होंगे, नहीं तो वो आगे नहीं करता उसको, ठीक है। अब जैसे कि वो आगे हो चुका है तो मैं जल्दी से लेके आता हूँ गेंगार।
मैं चाहता हूँ उसके एक पोकेमोन या फिर एक स्नोरलैक्स का जो वाई वाला है उसका होल आइटम खराब कर दूँ, लेफ्टओवर्स हटा दूँ। वो थोड़ा पेनफुल हो सकता है लेफ्टओवर्स, क्योंकि उसका कर्स भी है और रोल आउट आखिरी बार जब मैं से बैटल किया उसके बाद रोल आउट भी था, तो मैं वो बेकार करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोग नॉक ऑफ लगाते हैं उसके फायर बार स्नोरलैक्स का, उसके पास जो फिशर है। अब मैं लेकर आता हूँ स्वॉम्प वर्ड। अभी जैसे देखिए स्वॉम्प वर्ड है सामने, तो ये ज़रूर पोकेमोन बदलेगा ये डर के कि एक वाटर टाइप जीमो काफ़ी होगा ख़त्म करने के लिए। स्वॉम्प वर्ड का जीमो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है गाइस, तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि एक हिट में किसी भी पोकेमोन को मार दे, पर हाँ ठीक ठाक ये जीमो होता है। पावर आप अगर इसके जाकर देखो तो ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। स्वॉम्प वर्ड बेसिकली डिफेंसिव पोकेमोन है, पर फिशर स्लैश के साथ और मोल्ड ब्रेकर के साथ ये अच्छा अटैकर भी बन जाता है। आर्केस सामने, तो जल्दी से मैं लेकर आता हूँ गेंगार, क्योंकि आर्केस एक प्रॉब्लम हो सकता है मेरे लिए। इसके पास वोले विश है तो प्रॉब्लम हो सकता है लिटरली, मेरे पोकेमोन को बर्न अगर डाल देगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और अगर मेरे मोबाइल को बर्न पड़ा या फिर किसी और पोकेमोन को बर्न पड़ा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं गेंगार को यहाँ पर शहीद करूँगा, ठीक है। हालांकि मैं इसको खड़ा रख सकता हूँ, मतलब ग्राउडन को खड़ा रख सकते हैं हम लोग, उसके आरकेएस के अगेंस्ट वर्लपूल काम करेगा नहीं, और पैरिसोंग को लगाएगा तो मैं पोकेमोन बदल दूंगा। पर क्यों इसे चांस देना, मतलब अगर हो सकता है इसे मार सकते हैं तो मार ही देते हैं, मतलब इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गेंगार जाएगा और गेंगार उसके किसी भी पोकेमोन के अगेंस्ट अब काम नहीं आएगा। स्नोरलैक्स की जो बात बची, फायर वाला बचा है और बचा है वो स्टील वाला, तो स्टील वाला तो छोड़ो, हमारे पास ब्रिक ब्रेक है, वो जैसे तैसे उसको ख़त्म कर ही देंगे। बचा फायर वाला, वो अभी थोड़ा सा स्लो है, अभी नया है, फ्रेश है वो, तो एक अर्थक्वेक काफ़ी रहेगा उसको मारने के लिए, ठीक है। अब आर्केस जो है मतलब ट्रैप में है, दोनों के दोनों मारे गए। पैरिसोंग ट्रैप एंड किल के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, एप्सोल के पास भी ये मूव है, तो आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो, पर एप्सोल का डिफेंस इतना खास होता नहीं है और वो टिक भी नहीं पाता इतने समय जितना आर्केस झेल जाता है, ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्ट भी होता है, तो हाँ आप समझ सकते हो अच्छा पोकेमोन होता है। अब वो लेके आ चुका है अपने फायर स्नोरलैक्स। मैं पहले अर्थक्वेक मतलब ग्राउडन लेके आया हूँ और यूज़ कर रहा हूँ अर्थक्वेक। चलो ये गया, आप एक ही पोकेमोन बचा है, उसके पास सिर्फ 5 फिशर्स है, मतलब 35 से डायरेक्ट 5। तो मैं जल्दी से अपना स्नोरलैक्स लेके आता हूँ। मेरे को पता है मैं भी फिशर यूज़ नहीं कर सकता, इसका लेवल मेरे से ज़्यादा है, तो हम लोग मड स्लैब मार के जाएंगे इसको। ज़्यादा से ज़्यादा गंदे इसके एक्यूरेसी कर दूंगा मैं, ताकि रोल आउट का इस्तेमाल ना हो पाए। मेरे को पता है फिशर बार बार तो हिट होगा नहीं, और अगर एक बार मड स्लैब हिट हो जाता है ना तो दूसरा वाला भी मिस होगा, बहुत देर बाद सारे फिशर हिट हो, और तब तक मैं इसका जो एक्यूरेसी है उसको पूरा बर्बाद करके जाऊँगा। मैं नहीं चाहता ये रोल आउट का इस्तेमाल सही से करे, और रोल आउट तब तक अच्छा नहीं होता ना जब तक वो लगातार 4-5 टर्न्स तक हिट ना हो जाए आपको, तब उसका अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पर उतना चांस मैं दूंगा नहीं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब दोनों के पोकेमोन मारे जाएं, किसी एक को तो मरना ही होगा। मैं चाहता हूँ कि उसकी एक्यूरेसी मैंने ख़राब कर दी तो उसका एक फीचर हिट हो ही जाए, ताकि मैं जल्दी से कोई एक पोकेमोन ला पाऊँ और कर पाएँ ख़त्म इसका खेल। मैं ग्राउडन लाऊँगा और इसका स्पीड करूँगा कम, और उसके बाद लाऊँगा स्वॉम्पर, फिर जल्दी से बदल देंगे ताकि इसका जो जी मूव है वो ख़तरनाक है और स्वॉम्पर को आराम से मार सकता है, ठीक है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि इसका स्पीड थोड़ा डाउन करूँ, एक्यूरेसी ख़राब करके, उसके बाद ये मर ही जाएगा। फिशर तो सारे हिट मतलब मिस हो ही गई, क्योंकि एक्यूरेसी इतनी ख़राब कर चुके हम लोग। फिर भी फिशर को हिट होना है तो गाइस वो हो जाता है, उसमें एक्यूरेसी को लेना देना होता नहीं है। फिर भी मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा एक्यूरेसी हम लोग ख़राब कर पाएंगे मैं करके जाऊँगा इसकी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता, तो मैं बाइड यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है ये शायद जी मूव यूज़ करे या फिर फिशर वगैरह, तो एक फिशर हो गया ख़त्म, ये शायद दूसरा था, तो तीसरा है, मैं वही वेट कर रहा हूँ। तो ये तीसरा हमें हिट हो गया, कोई नहीं, स्नोरलैक्स ने अपना काम बखूबी निभाया, एक्यूरेसी उसकी पूरी तरह से गंदी कर दी है। अब मैं ग्राउडन लेके आऊँगा और कर दूंगा इसका जो स्पीड है वो कम, ठीक है। तो हो बाकी जो दो फिशर बचे हैं वो हिट ना हो, ठीक है। एक्यूरेसी तो ख़राब हुई पड़ी है, तो एक बार बल्कअप, ताकि अगर उसको जी मूव इस्तेमाल करना पड़े तो ज़्यादा डैमेज हमें देना। हमारा डिफेंस भी इंक्रीज़ हुआ है और ये दो स्टेज इंक्रीज़ हो चुका है। अब इसके सारे फीचर ख़त्म, अब ये बंदा कुछ नहीं कर सकता। आप रोल आउट का इस्तेमाल भी करोगे तो हमें ज़्यादा डैमेज पड़ेगा नहीं। अब बस मेरे कुछ नहीं करना है, मेरे कुछ मतलब कुछ टर्न्स इंतज़ार करना है, रॉक टूम डाल देना है, मोबाइल लेके आऊँगा, स्वॉट डांस और एक ब्रिक ब्रेक और इसका खेल ख़त्म। बंदे के पास कोई अच्छा पोकेमोन नहीं था, सारे के सारे फिशर थे, और जब फिशर काम नहीं करता यही रिजल्ट होता है, बहुत ही गंदा आ रहा है। ये मेरे को बहुत बार हरा चुका है सिर्फ फिशर के सारे, ऐसे नहीं कि किल करके, फिशर हो तो जीत सकता है कोई भी आराम से। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि लेवल 100 होने के बाद हम भी ऐसे पोकेमोन डालेंगे जो फिशर हो उनके पास, हम भी बड़े बड़े वीआईपी को धूल चटा देंगे इस तरीके से। पर ये मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा बैटल करके मारने में आता है ना, इसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं था, फिर भी इनको हराना मज़ेदार होता है। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।